जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे अंबेडकर दर्शन की आखिर अंबेडकर जी कौन थे इनका इतिहास क्या है भारतीय इतिहास में इनका क्या योगदान है सबसे पहले अगर सामान्य परिचय के रूप में देखा जाए तो अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल अठारह सौ इक्यानवे ईस्वी में मध्य प्रदेश के एक महु जगह है वहीं के पर सैन्य छावनी में हुआ था अम्बेडकर जी के पिता का नाम याद रखिएगा रामाजी मालोजी सखवाल थे और माता भीमा थे और बाई की यह चौदहवीं संतान थे अंबेडकर जी का जो परिवार था वह मराठी परिवार से संबंधित था कबीर पंथ को मानने वाले थे और जाति के अंबेडकर जी महार थे और इनके पूर्वज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे अंबेडकर का जीवन बहुत कष्टमय जीवन रहा छुआछूत का छुआछूत की जो प्रथा थी समाज में जमाए हुए थी उसकी चर्चा तो करेंगे जो समान एग्जाम में प्राय क्वेश्चन पूछा जाता है उसको ध्यान रखिएगा उन्नीस ईस्वी में अंबेडकर सतारा के गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला लेता है और यहीं पर एक ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण केशव ने अंबा डेकर आम डेकर पहले अंबेडकर का नाम अंबेडकर नहीं था आम डेकर था तो आम डेकर से हटाकर अंबेडकर नाम जोड़ा किसने जोड़ा तो कृष्ण बिहारी जो जो ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण केशव थे उन्होंने ही ये बात उनके नाम में हटा करके जोड़ दिया। दूसरी बात अम्बेडकर जी 1906 ईस्वी में अम्बेडकर जी का विवाह हुआ जब 15 साल के एज में थे और उनकी पत्नी पंडिता रामाबाई थी 1906 में पंडिता रामाबाई और अम्बेडकर जी का विवाह हुआ भारत में उस समय बाल विवाह की प्रथा विद्यमान थी इसीलिए कम उम्र में अंबेडकर जी का भी विवाह हो जाता है और आगे अगर आप देखेंगे तो आता है कि सौ आठ में, में एलिफेस्टन कॉलेज में प्रवेश लेते हैं पहले के जमाना में मैट्रिक के बाद ही कॉलेज में प्रवेश लेते हैं और ये भी ध्यान रखिएगा जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एलिफेस्टन कॉलेज मुंबई में है मुंबई में प्रवेश लेते हैं और उन्नीस तक यहाँ से राजनीति और कला के क्षेत्र में इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की कब की अम्बेडकर स्नातक कब किए उन्नीस फिर आगे की पढ़ाई के लिए एक बहुत फेमस नाम था राजा सयाजी गायकवार तृतीय जो सयाजी गायकवाड़ तृतीय थे उन्होंने एक योजना स्थापित की थी भारतीय विद्यार्थियों के लिए कमजोर जो परिवार से आते हैं गरीब विद्यार्थियों के लिए एक योजना तैयार की थी जिसके तहत गरीब विद्यार्थी भारत से बाहर के विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर सके तो इसी के लिए इसी योजना के तहत